पगड़ी खास तौर से इसलिए प्रसंग की पे रहते हुए लगातार जो पिछले छह महीनों से उनकी जो साहित्य गतिविधियां, मैं चाहूंगा सरदार हामिद हुसैन साहब और आज के सदर आली वकार उनको चारों लाएंगे हर पर। सदरे मोहतरम साहब, स्टेशन से जैसे उतरा तो दो लोग बाहर खड़े थे, किडनैप कर लिया मुझे, जल्दी चलो। दो खड़े थे लेने गए थे, तो मसला ये था कि सो गया था मैं, तो मैंने कहा चलो जब जबलपुर आ जाएगा तो कोई उतार देगा कि भैया उतरो घर जाना। बहरहाल इरफान भाई की और मन्नान भाई की मोहब्बत है, यकीनन सुनने वाले कम है लेकिन एक श्रोता पांच पांच सौ के बराबर है, बिना किसी भूमिका के एक एक लाख के बराबर कर लेते हैं, गणित तो अपना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बस ज्यादा नहीं, दो चार मिसरे और एक गजल का मतलब दो शेर। कहा है कि दौरे हाजिर में मुफलिस का जीना भी दूभर लगता है। कदीर भाई मेरे बड़े पुराने मित्र, 30-35 साल पुराने मित्र कदीर भाई सब बैठे हैं, कि दौरे हाजिर में मुफलिस का जीना भी दूभर लगता है। दौरे हाजिर में मुफलिस का जीना भी दूभर लगता है, कैसे हो भगवान के दर्शन दर्शन पे भी कर लगता है। वाह भाई वाह वाह वाह। दौरे हाजिर में मुफलिस का जीना दूभर लगता है, कैसे हो भगवान के दर्शन दर्शन पर भी कर लगता है। और बात जरा कड़वी है लेकिन नहीं नयन यही सच्चाई है, बात जरा कड़वी है लेकिन नयन यही सच्चाई है। जब कहता है कोई अपना अपने पन से डर लगता है। वाह 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 वाह। बात जरा कड़वी है लेकिन नयन यही सच्चाई है। जब कहता है कोई अपना अपने पन से डर लगता है। हजरत यहीं से एक दूसरे कहा है कि रोशनी घर के चिरागों से कहां मिलती है। रोशनी घर के चिरागों से कहां मिलती है। रोशनी घर के चिरागों से कहां मिलती है। अपने अश्कों से दिए रोज जला लेता हूं। वाह वाह। रोशनी घर के चिरागों से कहां मिलती है। अपने अश्कों से दिए रोज जला लेता हूं। और मुफलिसी मेजबान जब से मेरे घर में हुई, लोरियां गा के मैं बच्चों को सुला लेता हूं। वाह भाई वाह वाह। मुफलिसी मेजबान जब से मेरे घर में हुई, लोरियां गा के मैं बच्चों को सुला लेता हूं। और इसी कबीले से ये और देख ले के कोई पुराना ताल्लुक जरूर है तुमसे। सुनिएगा, कोई पुराना ताल्लुक जरूर है तुमसे, तभी तो जख्म मेरे मुस्कुराने लगते हैं। कोई पुराना ताल्लुक जरूर है तुमसे, तभी तो जख्म मेरे मुस्कुराने लगते हैं। और तुम्हारे सिमत से जब कोई बार होता है, पुराने दोस्त मुझे याद आने लगते हैं। वाह भाई वाह। तुम्हारे सिमत से जब कोई बार होता है, पुराने दोस्त मुझे याद आने लगते हैं। और ये आखिरी चार मिसरे और देख लें कि तेरी रुसवाई का डर है लेकिन पर तुझे मैं भुला नहीं सकता। तेरी रुसवाई का डर है लेकिन पर तुझे मैं भुला नहीं सकता। और मेरी तन्हाई का सहारा है, मैं तेरे खजला नहीं सकता। वाह वाह भाई। मेरी तन्हाई का सहारा है, मैं तेरे खजला नहीं सकता। गजल का मतलब एक गजल खुद को मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बंद नहीं करेगा लेकिन ये बैठे इनके घर वाले दरवाजा बंद कर दे। अब बुलाया है तो झेलो। बहन माधुरी बैठी, बड़ा अच्छा लग रहा है। कल माजरी है, चार मिसरे पता नहीं मेरे लिए क्या क्या कसीदे कर दिए, समझ नहीं पा रहा रात भर अभी तक। एक पुरानी गजल जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब अर्ज करें कि समाज फरमाए हजरत कि मुद्दत हुई है खुद से अभी मैं मिला नहीं। मुद्दत हुई है खुद से अभी मैं मिला नहीं, साबिस शहर में एक भी अब आईना नहीं। मुद्दत हुई है खुद से अभी मैं मिला नहीं, और साबिस शहर में एक भी अब आईना नहीं। और मैंने गुजारी जिंदगी जिसकी तलाश में,
मैंने गुजारी जिंदगी जिसकी तलाश में उसका पता मिला भी तो अपना पता नहीं। मैंने गुजारी जिंदगी जिसकी तलाश में उसका पता मिला भी तो अपना पता नहीं। और एक शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों के, किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया, किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया। आवाज दे रहा हूँ कोई बोलता नहीं। किसने शुक्रिया मोहब्बत हुसैन आवाज़ने के लिए। जी पढ़ा पढ़ा रहा हूँ। किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया, किसने तमाम शहर को पत्थर बना दिया। आवाज दे रहा हूँ कोई बोलता नहीं। और गजल का मकता आप तक पहुंचा रहा हूँ कि जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, जिसके लिए नयन ने मिटा दी है, जिसके लिए अगर किसी काबिल दुआओं से नवाजिए कि जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, उसके नयन से एक भी आंसू गिरा नहीं। जिसके लिए नयन ने जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया। जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, जिसके लिए नयन ने मिटा दी है जिंदगी, उसके नयन से एक भी आंसू गिरा नहीं। और मुद्दत हुई है खुद से अभी मैं मिला नहीं, शाबिश शहर में एक भी। और एक गजल का मतलब दो शेर आखिरी और देख ले। कहा है कि आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, आंखों में बड़ा अच्छा सुन रहा है, आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, फिर उसके बाद जश्न चरागा मनाइए। आंखों में अपनी प्यार के फिर उसके बाद जश्न चरागा मनाइए। और जी चाहता है देख लूं तुमको करीब से, सुनिएगा कि जी चाहता है देख लूं तुमको करीब से, अब तो हमारे ख्वाब में तशरीफ लाइए। कि जी चाहता है देख लूं तुमको करीब से, अब तो हमारे ख्वाब में तशरीफ लाइए। और कहा है कि जिसने कोई गुनाह किया हो ना उम्र भर, जिसने कोई गुनाह किया हो ना उम्र भर, एक बार ऐसे शख्स से हमको मिलाइए। जिसने कोई गुनाह किया हो ना उम्र भर, एक बार ऐसे शख्स से हमको मिलाइए। और कहा है कि दीवानगी का भी तकाजा है साकिया, दीवानगी का भी तकाजा है साकिया, अपने नयन को अपने नयन से पिलाइए। दीवानगी का भी तकाजा है साकिया, अपने नयन को अपने नयन से पिलाइए। आंखों में अपनी प्यार के दीपक जलाइए, फिर इसके बाद जश्न चरागाह मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।